हेलो दोस्तों दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि जो सर्कुलरिटी होती है, राउंडनेस होती है, वो क्या होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक साफ जो है रॉड होती है उसके ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं, वो क्या इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो जब अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो सर्कुलरिटी है वो क्या होती है। सो गाइस, देखते हैं अभी आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि आज हम सर्कुलरिटी के बारे में बताएंगे। जो राउंडनेस होती है किसी जगह की, जैसे आप यहाँ से देखेंगे ये कितना हमारा सर्कल, यानी जो राउंड है ये हमारा सर्कल है, यानी यहाँ से देखेंगे आप ये जो सर्कल है ये कितना राउंड है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से चेक करते हैं और ये होती क्या चीज़ है। तो सर्कुलरिटी अगर बताएं, सर्कुलरिटी का मतलब है कि ये कितना हमारा कोई भी वर्क पीस, कोई सॉफ्ट, कोई चीज़ है वो कितना राउंड यानी सर्कुलर में कितना है, तो वो होती है हमारी सर्कुलरिटी। तो उसी चीज़ों को हम चेक करके देखेंगे। आज हम मैंने आपके पास यहाँ दिखाएंगे, ये हमारा डायल का स्टैंड है, मैग्नेटिक है, उसके साथ हमने यहाँ पर ये वी ब्लॉक लिया है और उसके साथ एक और एक ये जॉब ली है। तो इसके सहायता से मैं आपको ये चेक करके बताऊँगा कि किस तरह से हम चेक करते हैं सर्कुलरिटी और जो राउंडनेस होती है उसको किस तरह से चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। तो वैसे तो दोस्तों ये चीज़ें जो ये प्रोसेस करने जा रहे हैं हम यहाँ पर नहीं करते हैं, हमें ये जो लैब होती है यानी सरफेस प्लेट पे रखकर ही हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हम नीचे 100 फ्लोर पे नॉइस की वजह से हम नीचे नहीं कर रहे। आपको यहीं पर मैं चेक करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ये चेक करते हैं। तो जनरली जैसे हमें अगर चेक करना है तो आप यहाँ देखें, हमने यहाँ पर क्या हमारा ये मैग्नेटिक स्टैंड, हमने ये डायल लिया है, लीवर टाइप डायल। अगर आप इस पर भी डायल पे भी वीडियो देखनी है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाई है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, तो आप जाके वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा डायल है, डायल को हम यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर ये सेट कर लेते हैं एक बार। जैसे देखेंगे अभी यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल 0 है, तो 0 के बाद हम इसको अभी सेट करते हैं। हल्का सा जो इनिशियल प्रेशर हमें देना है वो हम इस पर इनिशियल प्रेशर लगा लेते हैं। तो आप ये इस पर कुछ इनिशियल प्रेशर ले लेते हैं। उसके बाद इस इनिशियल प्रेशर को लेने के बाद हम इसके डायल को वापस यहाँ अच्छे से हमने इसको क्लैम कर दिया है और उसके बाद वापस इसको हम 0 कर लेते हैं, इसकी ब्रेजल को मूव करके। तो हमने इसको 0 पर, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं डायल पे, हमने 0 पे इसको सेट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से इसकी जो ये जॉब है इसको हम यहाँ से रोटेट करते हैं और देखते हैं इसकी जो सर्कुलरिटी है वो क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए हमारी निडल जो है देखिए फ्लैक्चुएट कर रही है, ये फ्लैक्चुएट करेगी, देखना है यहाँ पर जाके देखिए कितना ये फ्लैक्चुएट कर रही है किस तरह से, तो ये देख सकते हैं। तो ये हमारी इसकी सर्कुलरिटी होती है कि ये किस तरह से हम सर्कुलरिटी को चेक करते हैं। इस तरह से आप, मैं इस पर इसको रोटेट करता हूँ वी ब्लॉक पे, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इसमें आ रहा है। तो इस तरह से हम ये जो सर्कुलरिटी होती है किसी भी राउंड जॉब की, तो हम इसको इस तरह से चेक करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने एक और जॉब ली है जो कि हमारी बिल्कुल अच्छे से ग्राइंडिंग की हुई है, तो इसकी भी हम एक बार करके देखते हैं कि इसमें क्या वेरिएशन आते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप उस शाफ्ट में देखा आपने बहुत वेरिएशन था, इसको हमने लेंथी है इसलिए हमने 2 वी ब्लॉक लगाए हैं और उसके साथ अपना डायल और साथ में उसका मैग्नेटिक स्टैंड दोनों ही लिए। अब देखिए हम इसको शाफ्ट को रोटेट करते हैं, देखिए किस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, जो हमारी निडल है वो फ्लैक्चुएट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि तो इसकी जो सर्कुलरिटी है, जो राउंडनेस है वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये किस तरह से मूव रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो हमारी निडिल है वो फ्लैक्चुएट नहीं कर रही है। तो कई बार दोस्तों का आप लोगों का कमेंट आया कि सर हमें इनिशियल प्रेशर बोलते हैं आपकी कितना लेना चाहिए। तो जनरली जो इनिशियल प्रेशर की बात होती है, अगर डायल पे हम बात करें तो डायल पे जो इनिशियल प्रेशर लेना होता है वो आप ले सकते हैं, जैसे आपकी जो जॉब है उसमें क्या टॉलरेंस दी हुई है, उस टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हम जितना भी हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम डायल पर प्रेशर लेते हैं। मैंने तो वैसे अभी इस टाइम ज़्यादा लिया हुआ है जिससे कि आपको समझ में आ सके,
तो इस तरह से आप इनिशियल प्रेशर जो हमें लिया जाता है डायल पे उस तरह से हम लेते हैं। तो ये इसकी सर्कुलरिटी यानी कितनी राउंडनेस हमारी ये कोई भी जॉब है, तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं और ये होता है हमारी सर्कुलरिटी। तो आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, सर्कुलरिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहे होंगे सभी क्रैक किए होंगे आज की इस वीडियो में हमने। तो दोस्तों चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।